आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों कार के इंटीरियर की बात करें तो इस एसयूवी में आपको स्पोर्टी प्लस फॉक्स लेदर इंटीरियर के साथ आपको डोर फैदर स्टीयरिंग और इसके साथ ही इसमें आपको फॉक्स लेदर से ढका स्टीयरिंग व्हील के साथ आपको ऑडियो और क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर सीट हाई एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMS और 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, GPRS, रिवर्स पार्किंग, स्टेबिलिटी कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग कैमरा, फ्यूल, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल और आदि फीचर्स को कंपनी ने स्कॉर्पियो में शामिल किया है। दोस्तों पावर और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो BS6 महिंद्रा नेक्स्ट जनरेशन में आपको 2.2 लीटर का MHAWK 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। ये इंजन आपको 3750 RPM पे 140 BSP की पावर और 1500 और 2800 RPM पे आपको 320 NM का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। ये इंजन दोस्तों 6 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन से लैस किया गया है। अब दोस्तों कीमत की बात करी जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको चारों वेरिएंट की कीमत बताने वाला हूँ। तो 2020 महिंद्रा स्कॉर्पियो S5 वेरिएंट की कीमत स्टार्टिंग 11 लाख रुपीस से रखी गई है। सेकंड वेरिएंट की बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो S7, उसकी कीमत 13 लाख रुपये रखी गई है। थर्ड वेरिएंट की बात करें जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो S9 एडवांस मॉडल, उसकी कीमत 14 लाख रुपीस रखी गई है। और लास्ट और टॉप वेरिएंट की बात करें जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन 11S मॉडल, उसकी कीमत 15 लाख रुपीस रखी गई है। तो दोस्तों महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो का नेक्स्ट जनरेशन लेवल BS6 इंजन के साथ अपडेट करके 4 वेरिएंट पे हम सभी के लिए भारत में लॉन्च कर दिया है। अगर आप इस स्कॉर्पियो को अपने लिए बुक करना चाहते हैं तो आप महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके 5000 रुपये का टोकन राशि से इस स्कॉर्पियो को अपने लिए बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी सेकंड न्यूज़ निकल के आ रही है टोयोटा की तरफ से कि टोयोटा की ये छोटी SUV होने जा रही है मंगलवार को हम सभी के लिए लॉन्च। तो चलिए जानते कीमत और माइलेज और फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों टोयोटा की मोस्ट अवेक कॉम्पैक्ट SUV टोयोटा रेजी मंगलवार को हम सभी के लिए फाइनली मार्केट में लॉन्च होने वाली है। रेज असल में दोस्तों टोयोटा की कॉम्पैक्ट SUV दिहासु रॉक SUV का रिबल वर्जन कहा जा रहा है। फोर्ड इको स्पोर्ट्स की तरह दिखने वाली इस SUV को DNGA प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। टोयोटा ने इस प्लेटफॉर्म को खास एशिया बाजार के लिए डेवलप किया है। दोस्तों वही इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स में कोई कमी कंपनी ने नहीं रखी है। दोनों कारों का आगे के और पीछे का बम्पर एक समान रखा गया है। रेंज में आपको मैश डिज़ाइन के साथ बड़े टैपाकोनिक ग्रिल देखने को मिलती है और साथ ही साथ DRLs के साथ आपको LED हेडलैम्प्स और फॉग लाइट्स और 17 इंच के एलॉय लॉन्च किया जा चुका है। अब मार्केट में इसको हम सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा। वही खबरें हैं कि भारत में टोयोटा रेज को अपने नए नाम रेजी के नाम से हम सभी के लिए फाइनली लॉन्च करेगी। कॉम्पैक्ट SUV की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी इसे जल्द से जल्द हम सभी के लिए अगस्त में लॉन्च करेगी। मार्केट में दोस्तों ये 2 वेरिएंट में हम सभी के लिए उतारी जाएगी। स्टार्टिंग कीमत दोस्तों 4.60 लाख रुपीस से होगी। टॉप वेरिएंट की बात करें तो करीबन 6.50 लाख रुपीस तक जा सकती है। और इस कार की भी दोस्तों बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस कार को अपने लिए बुक करना चाहते हैं तो आप टोयोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके 3000 रुपये की राशि देके इस कार को अपने लिए आज ही बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी तीसरी खबर भी है महिंद्रा की तरफ से कि महिंद्रा अपनी XUV500 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल हम सभी के लिए भारत में लॉन्च करने वाली है। जानते हैं फीचर्स और कीमत के बारे में। दोस्तों भारत की मशहूर कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी दमदार XUV500 को नए BS6 नेक्स्ट जनरेशन ईंधन मानक के साथ लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही महिंद्रा ने अपनी XUV500 BS6 की कीमतों का भी खुलासा हम सभी के लिए कर दिया है। इस कंपनी ने आधिकारिक रूप से इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी हम सभी के लिए शुरुआत कर दी है। कंपनी की वेबसाइट पर इस SUV को केवल 5000 रुपये की टोकन राशि के साथ बुक किया जा सकता है। कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले ही इसके सभी वेरिएंट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की जानकारी हम सभी के लिए लीक कर दी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर इस कार के स्पेसिफिकेशन और राइट कीमत के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नई BS6 एडवांस फीचर्स वाली XUV500 को भारतीय बाजार में हम सभी के लिए 4 वेरिएंट में लॉन्च किया जाना है, जिसमें आपका W5, W7 और W9 और W11 वेरिएंट शामिल है। बताना चाहूँगा कि BS6 महिंद्रा XUV500 नेक्स्ट जनरेशन में मिलने वाले एंटी लेवल वेरिएंट WE को कंपनी पहले ही बंद कर चुकी है। अगर इंजन की बात करें तो दोस्तों नई महिंद्रा XUV500 नेक्स्ट जनरेशन में पुराने BS4 मॉडल
वाला 2.2 लीटर का MHEW डीजल इंजन ऑप्शन हाल ही में अब BS6 ईंधन मानकों के साथ रियल इंटीरियर और इलेक्ट्रॉनिक अपडेट डुअल HVC 6 साइड एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिलेगी। और इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और साथ ही साथ स्पीड अलर्ट सिस्टम और ABS ABD रिवर्स पार्किंग सेंसर और 12 पावर स्टीयरिंग रिमोट के साथ आपको फ्यूल की और माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फीचर्स कंपनी ने इस कार में अब मौजूद कर दिए हैं। अगर दोस्तों कीमत की बात करें तो बताना चाहूँगा कि BS6 महिंद्रा नेक्स्ट जनरेशन XUV 500 की डेली एक्सशोरूम स्टार्टिंग कीमत मात्र 7 लाख रुपीज़ से रखी गई है, जिसको आप 7 लाख रुपए की राशि देके अपने लिए खरीद सकते हैं। वहीं चारों वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों W5 BS6 की वेरिएंट की कीमत स्टार्टिंग 9 लाख रुपीज़ से है, W7 वेरिएंट की कीमत दोस्तों 10 लाख रुपीज़ से रखी गई है, W9 वेरिएंट की कीमत दोस्तों 14 लाख रुपीज़ से रखी गई है। अगर टॉप वेरिएंट यानी लास्ट वेरिएंट की बात करें जो कि W11 BS6 वेरिएंट है, उसकी कीमत दोस्तों 14.30 लाख रुपीस रखी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की 3 कारें जो कि जल्द ही मार्केट में हम सभी के लिए तहलका मचाने के लिए लॉन्च होने वाली है। अगर आप एक ऑफ रोडिंग और SUV का इंतजार कर रहे थे बिल्कुल ब्रांड न्यू, तो ये ऑप्शन आप सभी के लिए बेटर है। और इन तीनों कारों को दोस्तों आप अपने नज़दीकी शोरूम में विजिट करके भी बुक कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके बुक कर सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों देरी किस बात की, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।